Hello gentlemen, welcome to Target Defense Academy. My name is Sachin and I welcome you all on official YouTube channel of Target Defense Academy. बच्चों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए फाउंडेशन के बारे में, क्या होता है एनडीए फाउंडेशन और कैसे आप 10th के बाद एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। टारगेट डिफेंस एकेडमी एक प्रोग्राम लेके आया है, कोर्स लेके आया है जिसमें 2 साल का कोर्स होगा आपका एनडीए फाउंडेशन का, राइट। एनडीए फाउंडेशन कोर्स जो होता है वो आपका 2 साल का होता है। 10th पास करने के बाद बच्चे 11th से टारगेट डिफेंस एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं और 2 साल के कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, राइट। इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे ओपन हो गए, वी हैव 100 सीट्स ओनली फॉर एनडीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स, राइट। एनडीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए केवल और केवल 100 सीट्स है हमारे पास, जिसमें हॉस्टल अकोमोडेशन, आपकी 11th 12th की स्कूलिंग प्लस कैंपस के अंदर ही सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है, राइट। पूरे यूपी के अंदर केवल टारगेट डिफेंस एकेडमी ही ऐसा संस्थान है जिसके पास कैंपस के अंदर ही सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है एनडीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए, राइट। तो एनडीए फाउंडेशन में आपका 11th की स्कूलिंग, जिसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्रॉपर तरीके से पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, साथ ही साथ 12th में जब आप पहुंचेंगे तो 12th में आपका पूरा कोर्स और एनडीए की तैयारी, एनडीए की प्रिपरेशन जो होगी वो साथ ही साथ आपकी चलने वाली है। इट मीन्स आप 11th में एंटर करने के साथ साथ एनडीए के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, राइट। इफ यू वॉन्ट टू क्रैक एनडीए रिटन एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, देन यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अगर आप 10th कंप्लीट कर चुके हैं या करने वाले हैं 10th, तो बेटा एनडीए की तैयारी आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम 11th, राइट। 11th में क्या होगा, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की क्लासेस चलेंगी जो रेगुलर बेसिस पे चलेंगी, डेली क्लास होगी आपकी। साथ ही साथ एनडीए की जो क्लासेस होगी जिसमें आपका इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होता है, मैथ्स होता है मेन सब्जेक्ट, और साथ ही साथ जो बाकी क्लासेस होती हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो 11th के साथ से ही आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, SSB की आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो भी साथ ही साथ स्टार्ट हो जाएगी। 11th से ही आप उस एनवायरनमेंट में रहेंगे जो कि एक डिफेंस से रिलेटेड माहौल होता है। यहाँ पे आपको जो फैकल्टी मिलने वाली है वो सैनिक स्कूल से फैकल्टीज हैं जिन्होंने खुद भी एनडीए के एग्जाम कई बार क्वालिफाई किए हैं और अनफॉर्चुनेटली वो मेडिकल आउट हुए या किसी वजह से एनडीए में फाइनली वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो बेटा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ये अभी वास्ट एक्सपीरियंस फैकल्टीज, राइट। तो जो फैकल्टी मिलने वाली है वो बहुत एक्सपीरियंस होगा हर एक फील्ड में, यहाँ तक कि SSB प्लस आपकी जो रिटन एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो भी फैकल्टी, उसमें बहुत ही एक्सपीरियंस होगा, राइट। साथ ही साथ SSB के जो सेमिनार्स होती हैं वो आपको मिलने वाली है, एक्स डिफेंस ऑफिसर्स विजिट होगी वो भी आपको मिलने वाली है। तो ओवरऑल आपकी 11th से ही पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी और कोशिश ये होगी कि 12th में जाते जाते आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा अगस्त में, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो एग्ज़ाम आप फर्स्ट टाइम में ही क्रैक करें और एनडीए को ज्वाइन करें, राइट। तो जो भी बच्चे अपनी 10th के बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं बेटा, इट्स अ राइट टाइम टू रजिस्टर विद अस बिकॉज लिमिटेड सीट्स हैं। इसके बाद आपका एडमिशन नहीं होगा, 100 सीट्स हैं, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, कई बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं और आगे भी हमारे पास काफ़ी सारी कॉल्स आ रही हैं कॉन्टिन्यूसली और उसमें कई बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं, राइट। तो इट्स राइट टाइम, टेक डिसीजन एंड प्रिपेयर फॉर योर बेस्ट फ्यूचर, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।